जी जनाब, मोना आप हमें कुछ एक्सरसाइज बता रही थी, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि एक्सरसाइज का नाम है साइड प्लैंक होल्ड और ये है एक फुल बॉडी एक्सरसाइज, मगर क्योंकि ये साइड पे है तो ये हमारी जो ओब्लिक्स होती हैं यहाँ पे, साइड्स को हम ओब्लिक्स बोलते हैं, ओब्लिक मसल, ये उसको और ओवरऑल आपकी फुल बॉडी को टारगेट करता है, कोर को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो मैं यहाँ पे फ्लोर पे आऊँगी, ठीक है? ठीक है, इसका इजी वेरिएशन मैं आपको बताऊँगी, जो हमारी ओवरवेट खवातीन है, ठीक है, जो ठीक है। या जिनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, जो अंडरवेट भी हैं, कई दफ़ा उनके अंदर इतनी शोल्डर स्ट्रेंथ नहीं होती, जो बाय द वे ये एक्सरसाइज हमें प्रोवाइड करती है शोल्डर स्ट्रेंथ भी, तो हम उसकी इजी वेरिएशन ये है कि एक पाँव आगे लें, ठीक है, इस हील को ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है, मेक श्योर करें कि आपकी टो पे वेट ना आए, हील पे आए, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी हिप को लिफ्ट करना है इस तरह, आर्म को आपने एक्सटेंड करना है और आपने देखना है ऊपर सीलिंग की तरफ या बिल्कुल सामने, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है इसके अंदर ज़रूरी है। कुछ लोग इस तरह करते हैं या नीचे देखना शुरू हो जाते हैं, वो आपने नहीं करना, मेक श्योर करने कि आपका शोल्डर और एल्बो एक लाइन में है और आपने इसको लिफ्ट किया है। अगर आपने इसको थोड़ा सा और इंटेंस बनाना है, आप इसके अंदर पल्सेस ऐड कर सकते हैं, पल्सेस से ये होता है कि ज़रा एक्स्ट्रा बर्न आपको फील होता है। और इसका जो और एडवांस्ड वेरिएशन है वो ये है कि आपने दोनों टांगें सीधी रखी, एक हील दूसरे के ऊपर रख के इस तरह आपने ऊपर नीचे पल्स या तो करना है या तो फिर आपने होल्ड करना है। अच्छा, जो बिगिनर्स हैं वो इसको 15 सेकंड ऑन ईच साइड होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा चैलेंज अपने आप को करना है तो 30 सेकंड्स इज वेयर की बॉडी कांपना शुरू हो जाएगी और आपको थोड़ा सा पसीना भी आना शुरू होगा, ठीक है। अच्छा मोना, जो ओबेस लोग हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा अपनी टांग को करना या उनके लिए? उनके लिए होगा, मगर अच्छा उनके लिए एक और ऑप्शन भी मैं आपको बता देती हूँ, दोनों टांगें इस तरह फोल्ड करके आपने हिप्स को उठाने, ठीक है, हाथ ऊपर लेके ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वेरिएशंस एक्सरसाइज की हर एक के लिए होती है, एक्सरसाइज किसी को डिस्करेज करने के लिए नहीं होती, नहीं होती हर बंदे के लिए वो बनी है, चाहे आप बेस या कुछ, फॉर्म्स डिफरेंट होते हैं मगर आप कर सकते हैं। एंड जब मर्जी स्टार्ट करें वही आपका डे वन होता है, और किस कभी भी स्टार्ट करें लेट नहीं होता, ये मैं जरूर होना। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ बेबी फैट की बहुत सारी जो के लिए कॉल्स कंप्लेंट्स आती है कि बेली फैट बहुत ज़्यादा है खवातीन में, उसके लिए क्या बताएंगे? मैं उसके लिए पहले तो ये बताऊंगी कि पानी बहुत ज़्यादा पिए, ख़ास तौर पे जो अब सीज़न आ गया उसमें तो वैसे ही हमें बहुत प्यास लगती है। मेक श्योर करें, आप चेक करें आप पी क्या रहे हैं, हमारे लिए बहुत ईजीली अवेलेबल होती हैं ये डाइट कोक और स्प्राइट फैंटा इस तरह की चीज़ें, तो मैं ये कहूँगी कि जो ईज़िली अवेलेबल है वो ना पिए, पानी की बॉटल हमेशा हाथ में रखें, उसके अंदर लीमू खीरा कुछ इस तरह करके डाल के रखें, अगर आपको फ्लेवर पसंद है, ठीक है, डिटॉक्स वाटर थोड़ा सा रखें अपने पास, मगर बहुत ज़्यादा भी मकदार में ना डालें, बिकॉज ये चीज़ें हमें डिहाइड्रेट भी कर देती हैं, पानी का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। पानी पिए, फ्रेश जूसेज हैं वो पिए, फ्रेश फल हैं वो खाएँ, ठीक है, जूसेज से बेहतर फल खाने होते हैं क्योंकि फल के अंदर ज़रा फाइबर कॉन्टेंट होता है जो हमारे पेट को साफ़ करता है, ठीक है। उसके अलावा ज़रा थोड़ा सा और एक्टिव हो जाएं, अगर आप जिम नहीं जा सकती, बच्चों की प्रॉब्लम है या वैसे आपकी फाइनेंशियली अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो घर में यूट्यूब तो हर किसी के पास है, वो भी या तो आप ये शो देखें, ये शो देखें, मैं आपको बता रही थी, मैं आपको बता सकती हूँ। और इसके साथ साथ कुछ पुशअप्स के लिए ना हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर नहीं है, हम चाहते हैं कि पुशअप्स का सही तरीका कार के बॉडी पॉस्चर कैसा होना चाहिए एक बार मैं आपको बताती हूँ। पुशअप्स जो है एक बहुत अच्छी शोल्डर्स में और चेस्ट में और अपर बैक में स्ट्रेंथ करने के लिए बिल्ड अच्छी एक्सरसाइज है। उसका पहला वेरिएशन मैं आपको बताती हूँ, जो सबसे इजी वेरिएशन है, उसको कहते हैं हम बॉक्स पुशअप, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने एक क्वाड्रेपेड पोजीशन होती है जिसमें हमारे हाथ और घुटने हमारे सारे फ्लोर पे होते हैं, ठीक है, हाथ आपके बिल्कुल शोल्डर्स के नीचे और आपके घुटने बिल्कुल आपके पेल्विक बोन आपकी वेस्ट के नीचे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हाथ थोड़े से शोल्डर से बाहर ले जाने हैं, ठीक है, शोल्डर्स को आगे लेके जाके एल्बोज को थोड़ा सा पीछे रखें, हमने नीचे आने और ऊपर जाने, हमने नीचे आना है बाइसेप से कंट्रोल करना है और जब ऊपर हमने जाना है तो हमने चेस्ट से कंट्रोल करना है। और मेक श्योर जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपके जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं या पीछे जो दो हड्डियाँ होती हैं आपने इमेजिन करना है आप उसके बीच में एक पेंसिल दबा रहे हैं, ठीक है, इतना आपने नीचे जाना है। कुछ लोगों की स्ट्रेंथ नहीं होती, ठीक है, जो बेस्ट रेंज होती है वो आपकी एल्बो से नीचे होती है, ठीक है, मगर आपके पास अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो आप इतना भी जाएं, पल्स भी करें थोड़ा सा तो वो भी ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। दूसरी वेरिएशन इसकी, घुटने थोड़े से बाहर ले जाएं हिप से, ठीक है, बॉडी वेट अपना आगे, अगेन पुशअप में कंधे आगे और शोल्डर्स आपके जो एल्बोज हैं वो पीछे होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग शोल्डर्स आपके आगे होंगे, एल्बोज आपकी पीछे आपके, हाँ कुछ लोग इस तरह करते हैं बिल्कुल इक्वल रख के, कंधे आपके कान से पीछे होने चाहिए, ठीक है, ताकि चेस्ट पे वेट पड़े, ठीक है। इसको आप लेके इसमें ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा शोल्डर पे आपके स्ट्रेस आ जाएगा, नीचे और ऊपर।
अच्छा नीचे जाते हुए आपने सांस अंदर खींचना है और जब भी आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं यानी कि ऊपर आ रहे हैं किसी भी एक्सरसाइज में एक्सहेल ठीक है तो इनहेल एंड एक्सहेल ठीक है ये टेक्निक है और अगर आप थोड़ी सी एडवांस पुशअप करना चाहते हैं अगर आपने कभी नहीं की मगर आपको लगता है आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो हाँ ये वाला हाँ, थोड़ा पुशअप मुश्किल होता है हील्स थोड़ी सी आगे हाथ बाहर चेस्ट नीचे और ऊपर नीचे और ऊपर दैट्स ऑल यू हैव टू डू टेक्निक ये है कि वेट सारा आपकी चेस्ट में होना चाहिए और अपर बैक में होना चाहिए लवली पुशअप्स की इतनी डिटेल बता दी है क्योंकि मोस्टली लोग जो है ये पहली वाली जो आपने वेरिएशन बताई थी नॉर्मली लोग ये नहीं जानते और हाँ, ज्यादातर लोग इंटेंस वाली exactly, तरफ ही डायरेक्टली हाँ, चले हाँ, जाते हैं पुशअप्स सुन के लोग डर जाते हैं कि ओ यार ये तो बॉडी बिल्डर्स का काम exactly. है हाँ तो नहीं नहीं पर इसकी ये वेरिएशन है अच्छा एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सेफ्टी कमर में बिल्कुल भी आर्च नहीं आना चाहिए कमर की फौरन से पहले आपको दर्द शुरू हो जाएगी उसको क्या है जब हम पेट अंदर खींचते हैं ना बेसिकली जो हमारी लोअर बैक होती है खासतौर पर खवातीन की पाकिस्तान में लेडीज़ की नेचुरली बहुत आर्च होती है बैक के अंदर ठीक है दे टेंड टू यू नो गेन वेट हेयर इधर इस एरिया में सबसे पहले तो जब हम पेट अंदर खींचते हैं ना तो हमारी लोअर बैक को सपोर्ट मिल रही होती है ठीक है तो वो बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्सरसाइज के लिए आपने यह करना है ठीक है मगर इसका यह मतलब नहीं आप सांस रोक लें ब्रीदिंग पे और फोकस करना बिकॉज हम फैट ब्रीदिंग के थ्रू बर्न करते हैं बिल्कुल तो इनहेल और एक्सहेल जो मैं बार बार बता रही हूँ ये बहुत ज़रूरी है ठीक है ये आपने ज़हन में रखना है कि इनहेलिंग आपके मसल्स को जो है वो टाइट करती है कंट्रैक्शन आती है जब आप एक्सहेल करते हैं तो मसल्स आपके रिलैक्स हो जाते हैं तो ये ठीक हो गया अच्छा मोना बाजू ये जो इधर यहाँ पर भी फैट बहुत ज्यादा होता है हाँ। खातिन खुद ओवरऑल थोड़ी स्लिम होती है लेकिन एट द एंड बाजू पे वेट होता है उसके हवाले से क्या बताइए उसके हवाले से मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगी आपको उसको बोलते हैं ट्राइसेप डिप्स या तो वो आप किसी चेयर के साथ भी कर सकते हैं ठीक हाँ। है या तो वो आप फ्लोर पे भी कर सकते हैं सबसे इजी वेरिएशन मैं आपको उसकी बताऊंगी आपने क्या करना है आपने ऐसे फ्लोर पे बैठ जाना है आपने अपनी हिप्स पे बैलेंस करना है अब बाजू आपने थोड़े से पीछे अपने हिप्स की तरफ आपकी फिंगर्स होनी चाहिए वेट आपने ज़रा लाना है पीछे थोड़ा सा और बाजुओं को आपने बेंड करना है बेंड करने का क्या है हमारा ट्राइसेप होता है यहाँ पे बाजू के नीचे ये जो लटक रही होती है ना स्किन ये वाला फैट ये इसके नीचे एक छोटा सा मसल ट्राइसेप जो है छुपा होता है ट्राइसेप वो मसल होता है जिसको हम ज़्यादा एंगेज नहीं करते नॉर्मली हमारा सारा जो स्ट्रेंथ और लोड आता है वो फोरआर्म या फिर बाइसेप पे आता है तो इसको काम करना बहुत टेक्निकल है मगर इट्स ऑल्सो वर्थ इट ठीक है तो हमने क्या करना है हमने चेस्ट को ऐसे बाहर निकाल के अगेन वो जो मैंने बताया था कि पेंसिल को स्क्वीज करने वाली टेक्निक वो आपने करना है बॉडी वेट पीछे ला के आपने डिप करना है थोड़ा नीचे जाना है और ऐसे आगे ऊपर आके बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है बेंड आपने थोड़ा सा स्ट्रेन डालना है एल्बोज पे ठीक है जस्ट मेक श्योर करना है कि आपकी एल्बोज बाहर ना जाए आपकी फिंगर टिप्स जो है आपकी हिप्स पे होनी चाहिए हिप्स के पास होनी चाहिए पीछे और आगे इस तरह पीछे और आगे आपने इस तरह आना है इस तरह थोड़े 15 रेपिटेशन के बाद मैं कहूँगी कि आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है उसके बाद दूसरी इसकी वेरिएशन मैं आपको चेयर पे बता देती हूँ ठीक है चेयर पे मैं आपको बता देती हूँ आपने क्या करना है आपने कोई भी चेयर इस तरह की लेनी है ठीक है अगर आपको लगता है कि आपके शोल्डर्स थोड़े से ज़्यादा स्ट्रेन कैरी कर सकते हैं तो आपने चेयर को ऐसे एज से पकड़ना है हिप्स को ऑफ लाना है ठीक है आपने हिप्स को चेयर से हटा लेना है बिल्कुल ठीक है हील्स आपकी बिल्कुल घुटने के नीचे होने चाहिए वहाँ से आपने ऐसे नीचे डिप करना है और आपने ट्राइसेप की स्ट्रेंथ से आपने ऊपर आना है ठीक है मेक श्योर करना है कि आपकी बैक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए ठीक है चेयर के साथ आगे पीछे नहीं आना और अगर आपको लगता है थोड़ा सा और चैलेंज कर सकते हैं तो पाँव बिल्कुल सीधे करके टांगे बिल्कुल सीधी हिप्स पीछे मूव करके डाउन एंड अप इसमें भी यही ब्रीदिंग टेक्निक अप्लाई होगी इनहेल और एक्सहेल इनहेल और एक्सहेल हमारे घर में ही चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ करके एक्सरसाइज कर सकते हैं चेयर से तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ठीक हो गया अच्छा जी मोना एक छोटा सा मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें और उसके बाद फिर हम क्लोजिंग की जाने छोटा सा मैसेज मैं ये दूंगी कि फिटनेस को अपनी लाइफ की रूटीन में शामिल कर लें ठीक है अगर बहुत साल गुजर गए आपको लगता है इट्स टू लेट इट्स नेवर टू लेट अभी कर लें अभी अच्छा है और दूसरा ये कि स्ट्रेंथ जो है उसको आप ये ना समझें कि पूरी अगर आप अभी फिट हैं अगर अच्छी शेप में हैं तो वो हमेशा आपके साथ रहेगी अगर आप फिट भी हैं तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग खासतौर पर मैं लेडीज़ को कहूँगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट से डरे ना ठीक है हमारे अंदर मस्कुलर स्ट्रेंथ कम होती है तो उसको ज़रा बिल्ड करें थोड़े से वेट्स उठाना शुरू करें आगे की लाइफ में आपके लिए बहुत अच्छा होगा और खुश रहें लवली थैंक यू वेरी मच मोना विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक बहुत ज़बरदस्त टिप्स बता दी आपने जनाब